व्यूअर्स जरा सोचो, एक ऐसी सिटी जहाँ पर रोज रात 12 बजे सारे लोग कुछ देर के लिए एकदम से मर जाते थे, और जब सिटी के लोगों को होश आता था तब वो अपनी सारी पुरानी यादें एकदम से भूल चुके थे। आखिर उस सिटी में कौन सी डरावनी चीजें हुई थी ये तो देखकर ही पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें जॉन मर्डॉक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी आँख होटल के एक रूम में खोलता है। सच में जॉन को कुछ भी आइडिया नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे आया, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी नहीं याद आ रहा होता। और अब जॉन एकदम से कंफ्यूज होकर बाथ टब से बाहर निकलता है। सबसे पहले तो उसने कपड़े पहने और रूम की अलग अलग चीजों को देखने लगा। जॉन को वहीं पर पड़ा हुआ एक ब्रीफ केस मिलता है जिसके ऊपर KH लिखा हुआ था। जॉन ने जब उस ब्रीफ केस को ओपन किया तब उसके अंदर एक ग्रीटिंग कार्ड मौजूद था। उस ग्रीटिंग कार्ड पर तो सेल बीच लिखा हुआ होता है। हालांकि ये नाम जॉन पहली बार सुन रहा था, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ अजीब से विजन्स आने लगे थे। तभी अचानक से उस रूम का टेलीफोन रिंग होता है। जब जॉन ने कॉल उठाया तब डॉक्टर श्रीवर नाम का एक वैज्ञानिक उससे बात कर रहा था। डॉक्टर श्रीवर जॉन को बताता है कि उसकी जान बहुत ही ज्यादा खतरे में है और कुछ भयानक से दिखने वाले बड़े बड़े लोग उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए डॉक्टर श्रीवर जॉन को बचकर रहने के लिए कहते हैं। जॉन डॉक्टर श्रीवर से इसके आगे और कुछ पूछ पाता तभी डॉक्टर श्रीवर ने कॉल एंड कर दिया था। अब जॉन डॉक्टर श्रीवर की बातों को थोड़ा सा सीरियसली लेता है और आगे बढ़ने लगता है। जॉन ने तो वो ब्रीफ केस अपने साथ ले लिया था, लेकिन जब जॉन अपने रूम से बाहर निकलता है तब वहाँ पर मौजूद सारे लोग एकदम से सो गए थे और अब घड़ी में 12 भी बज जाते हैं। जॉन ने नोटिस किया कि बाकी सब जो भी अपना अपना काम कर रहे थे वो वही सारी चीजें करते हुए ही सो गए हैं। जॉन को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन अब जो डॉक्टर श्रीवर ने कहा था वो सच हो गया था। तीन बहुत ही लंबे लंबे डिटेक्टिव्स जॉन को ढूंढते हुए वहाँ पर आ गए थे। हालांकि जॉन उस जगह से कुछ देर पहले ही निकल चुका था, पर वो तीनों एजेंट उस होटल में आकर सबसे पूछताछ करने लगे थे। ताज्जुब की बात ये थी कि 12:30 को सभी लोग बैक टू नॉर्मल हो गए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि उनके साथ प्रीवियसली हुआ क्या था। वो तीनों एजेंट सभी से लगातार पूछताछ करते रहते हैं और जो भी उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा था वो उनकी आत्मा एब्जॉर्ब करके उन्हें मार डाल रहे थे। अब इसके बाद हमें एमा नाम की एक सिंगर को दिखाया जाता है जो अपना शो खत्म करने के बाद डॉक्टर श्रीवर से मिलने चली गई थी। दरअसल एमा रियलिटी में जॉन मर्डॉक की वाइफ होती है, और अब डॉक्टर श्रीवर की लैबोरेटरी में आने के बाद डॉक्टर श्रीवर एमा को सारी बातें बता रहे थे कि कैसे जॉन अपनी सारी यादें भूल चुका है और अब कुछ खतरनाक लोग जॉन को मारने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। इसीलिए डॉक्टर श्रीवर एमा को वार्न करता है कि जब भी जॉन उससे मिलने आए तब वो उसे तुरंत ही इन्फॉर्म कर दे। वहीं दूसरी तरफ जॉन अकेले ही पूरे सिटी में घूमता रहता है। अब फिर से 12 बज चुके थे, यानी कि सिटी में मौजूद सारे लोग अपनी ही जगह पर सो जाते हैं। जॉन ने तो कई लोगों को उठाने की कोशिश भी की, लेकिन वो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मानो कि उनकी बॉडी से आत्मा निकल ही गई हो। अब जॉन सिटी में घूमता हुआ एकदम निराश होकर एक एडवर्टाइजमेंट के पास आता है, और ये एडवर्टाइजमेंट सेल बीच का था। जॉन को देखकर पता चल जाता है कि ये एडवर्टाइजमेंट उसी ग्रीटिंग कार्ड का था जो उसे ब्रीफ केस से मिला था। इसी बात को पता करने के लिए जॉन उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर चला जाता है, लेकिन अब जॉन के सामने वही तीनों अजीब तरीके के एजेंट्स आ गए थे जिन्होंने जॉन को एक तरफ से घेर लिया था। वो एजेंट्स खुद को 10 स्ट्रेंजर्स कहते थे, और अब उन्हीं में से एक स्ट्रेंजर अपनी हिप्नोसिस पावर का यूज करके जॉन को पूरी तरीके से कंट्रोल में करना चाहता था। लेकिन पहली बार उन स्ट्रेंजर्स की पावर जॉन पर असर नहीं होती, जॉन के ऊपर तो कुछ भी इफेक्ट ही नहीं हो रहा था। और अब जॉन जब अपने आप को बचाने की कोशिश करता है तब उसके अंदर से भी अचानक से टेलीकिनेटिक पावर्स बाहर निकलने लगी थी, जिसकी मदद से वो तीनों एजेंट्स को हराने में कामयाब हो जाता है। अब बैन नाम का एक पुलिस ऑफिसर उसी होटल में आ जाता है जहाँ पर जॉन रुका हुआ था। दरअसल जॉन जब उस होटल से निकला था तब उस होटल में एक लेडी का मर्डर हो गया था, और अब इंस्पेक्टर बैन जॉन को ही इन सारी चीजों की वजह मान रहे थे। इसीलिए अब बैन जॉन की वाइफ एमा से भी मिलने चले जाते हैं, जो एमा को बता रहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट को शक है कि जॉन एक मर्डरर है, और अब पूरे शहर में जॉन को ढूंढना स्टार्ट कर दिया जाता है। अब हमें उन सारे स्ट्रेंजर्स की एक बहुत ही बड़ी बस्ती दिखाई जाती है जो जमीन के अंदर एक अलग ही स्ट्रक्चर में रहा करती थी, और अब उन सभी लोगों को जॉन के बारे में पता चल गया था कि उसके पास टेलीकिनेटिक पावर्स हैं, जिससे कि सभी लोग थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि किसी नॉर्मल आदमी के पास टेलीकिनेटिक पावर्स होना नामुमकिन था। दरअसल कुछ टाइम पहले जॉन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, लेकिन वो अपने टेलीकिनेटिक पावर्स का यूज करके वहाँ से भाग जाता है, और अब उन सारे स्ट्रेंजर्स के लिए जॉन एक खतरा बन गया था, तो इसीलिए वो सब भी जॉन को मारने के लिए उसे ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं।
यहाँ जॉन अपनी वाइफ एमा से मिलने चला आया था। दरअसल जॉन को तो ये तक नहीं पता होता कि एमा है कौन। उसने तो सिर्फ अपने वॉलेट में रखे हुए एड्रेस को फॉलो किया और यहाँ पर आ गया। लेकिन एमा तो जॉन से लगातार पूछ रही थी कि वो पिछले 3 हफ्तों से कहाँ पर गायब था। जॉन एमा को बताता है कि वो अपनी सारी यादें भूल चुका है, यहाँ तक कि उसे ये तक नहीं पता कि उसका नाम क्या है। अब हमें वही सारे स्ट्रेंजर्स दिखाए जाते हैं जो एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। वहाँ पर तो डॉक्टर श्रीबर भी होता है जो उन्हीं के लिए काम किया करता था। दरअसल डॉक्टर श्रीबर उन सारे स्ट्रेंजर्स की टेक्नोलॉजी का हेड होता है। और अब देखते ही देखते वो सारे स्ट्रेंजर्स एक अलग ही टाइप की मेडिटेशन में चले गए थे। इस मेडिटेशन के स्टार्ट होते ही शहर के सारे लोग अपने आप ही सोना स्टार्ट हो जाते हैं। सारी गाड़ियों से लेकर ट्रेन तक सारी चीजें रुक चुकी थी। सिर्फ जॉन ही था जो सिटी में अकेले मूव हो पा रहा था। जॉन तो वहाँ पर कई लोगों को जगाने की कोशिश भी करता है, पर उनमें से कोई भी कॉन्शियस में था ही नहीं। अब जॉन चुपके से कुछ स्ट्रेंजर्स पर नजर रखता है। उन स्ट्रेंजर्स के साथ डॉक्टर श्रीबर भी मौजूद था। और अब डॉक्टर उन स्ट्रेंजर्स के साथ सभी लोगों के पास जाकर उनकी बॉडी में एक सीरम इंजेक्ट कर रहा था। दरअसल इस सीरम के अंदर एक ऐसी एनर्जी थी जो लोगों की पुरानी यादें एकदम से खत्म कर देती थी। यानी कि इसके बाद लोगों को कुछ भी याद ही नहीं रहेगा कि उनके साथ हुआ क्या था। साथ ही साथ इस सीरम की वजह से लोगों की एबिलिटी भी चेंज हो जाती थी। जैसे कि अगर कोई पहले डॉक्टर था तो वो सीरम इंजेक्ट होने के बाद एक किलर में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब कुछ ही देर बाद सिटी के सारे लोग होश में आ जाते हैं। अब उन सभी स्ट्रेंजर्स का लीडर जिसका नाम डॉक्टर बुक होता है, वो जॉन मर्डॉक के लोकेशन को कैसे भी पता करने का आदेश दे रहा था। इसीलिए अब डॉक्टर श्रीबर एक ऐसा लिक्विड बनाता है जिसमें कि जॉन मर्डॉक के डीएनए के साथ साथ उसकी कुछ यादें भी मौजूद थीं। और अगर इस सीरम को किसी की भी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा ना, तब वो जॉन मर्डॉक के लोकेशन का पता लगा सकता है। इसीलिए अब उन सभी स्ट्रेंजर्स में से किसी एक को तैयार होना पड़ेगा सीरम को अपने बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए। बहुत ज्यादा सोचने के बाद मिस्टर हैंड नाम का एक स्ट्रेंजर इस बात के लिए रेडी हो जाता है। और अब मिस्टर बुक भी इस एक्सपेरिमेंट के लिए परमिशन दे देते हैं। और अब डॉक्टर श्रीबर ने वो सीरम मिस्टर हैंड की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया था, जिससे कि मिस्टर हैंड को अजीब तरीके के विजन्स आने लगते हैं। और ये विजन्स और किसी के नहीं बल्कि जॉन मर्डॉक के थे, जिससे कि अब मिस्टर हैंड ये पता लगा सकता था कि जॉन अभी कहां मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ जॉन एक सबवे स्टेशन में चला जाता है सेल बीच के बारे में पता लगाने के लिए। जॉन तो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से सेल बीच के बारे में पूछता ही जा रहा था, लेकिन सभी लोगों की यादें मिट जाने की वजह से उन्हें बीच के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब जॉन एकदम से फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसीलिए अब वो सेल बीच की ग्रीटिंग कार्ड को देखता ही रहता है। तभी उसे वहाँ पर कार्ल एच नाम का एक आदमी का नाम लिखा हुआ दिखाई दिया था, और इसी तरीके से के एच ब्रीफ केस पर भी लिखा हुआ था। इसीलिए अब जॉन कार्ड पर लिखे हुए एड्रेस को फॉलो करते हुए कार्ल नाम के आदमी के पास पहुँच जाता है। जॉन कार्ल से इन सभी चीजों के बारे में सब कुछ पूछ रहा था। हालांकि कार्ल जॉन को डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देता, पर वो जॉन को इतना बता रहा था कि उसका सेल बीच से कुछ न कुछ तो रिलेशन है। बहुत रात होने के बाद कार्ल जॉन को यहीं पर एक रात गुजारने के लिए कहता है। जॉन भी आराम से सोने चला गया था, लेकिन अब कार्ल ने एमा को कॉल करके बता दिया होता है कि जॉन यहाँ पर आया है। पर अब तो मिस्टर हैंड को इस बारे में पता चल गया था कि जॉन का लोकेशन क्या है, इसीलिए अब वो जॉन को पकड़ने के लिए उसके पास आ गया था। जॉन अपनी जान बचाकर तुरंत उस होटल से भागने लगता है। देखने पर ऐसा लग रहा था कि उस सीरम ने मिस्टर हैंड की पावर्स और भी बढ़ा दी है, और अब जॉन की टेलीकिनेटिक पावर्स भी ज्यादा यूज में नहीं आ रही थी। पर तभी उस जगह पर सही टाइम पे एमा और इंस्पेक्टर बेन आ जाते हैं, जो जॉन को अपनी कार में बिठाकर वहां से बचाकर लेकर चले जाते हैं। इस बार भी मिस्टर हैंड को खाली हैंड जाना पड़ेगा। अब इंस्पेक्टर बेन जॉन को जेल में लाकर उससे पूछताछ करने लगता है, क्योंकि उनकी डिपार्टमेंट को शक था कि शहर में जितने भी मर्डर हुए हैं ना, उनका जिम्मेदार जॉन है। लेकिन जॉन ने तो ये सब कभी किया ही नहीं था। उल्टा जॉन इंस्पेक्टर से सेल बीच के बारे में पूछता रहता है, लेकिन इंस्पेक्टर बेन भी इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तब जाकर जॉन इंस्पेक्टर को ये एहसास दिलाता है कि ये सारी चीजें सुपरनेचुरल पावर्स से कनेक्टेड हैं। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। उस जेल में मिस्टर हैंड अपने बाकी साथियों के साथ आ गया था, जो अपने सामने आने वाले सभी इंस्पेक्टर्स को मारते जा रहा था। लेकिन तब तक जॉन और बाकी सब वहाँ से निकल चुके थे। जॉन अब डायरेक्टली डॉक्टर श्रीबर के पास पहुँच जाता है, जो उससे सारी चीजें बताने के लिए कह रहा था। लेकिन अब डॉक्टर श्रीबर तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसीलिए उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जॉन पर गन पॉइंट कर दिया था। पर वहाँ इंस्पेक्टर बेन भी होता है, और अब उन दोनों ने मिलकर डॉक्टर श्रीबर को पकड़ लिया था, जो अब जॉन को कैसे भी करके सेल बीच की तरफ लेकर जाता रहता है। डॉक्टर श्रीबर तो बार बार जॉन से कह रहा था कि उसे सेल बीच के पास कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जॉन को कैसे भी ये मिस्ट्री सॉल्व करनी पड़ेगी। थोड़ी दूर तक पहुँचने के बाद उन्हें आगे एक नाव से जाना पड़ेगा, जिसके बाद वो तीनों नाव में बैठकर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं।
रास्ते में डॉक्टर शिबर जॉन को सारी बातें सच सच बता रहा था। दरअसल ये सारे स्ट्रेंजर्स एक एलियंस की स्पीशीज हैं, जो अर्थ पर आने के बाद इंसानों के सभी प्रजाति पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। इसीलिए वो हमेशा रात 12 बजे इंसानों को सुला देते थे और उनके बॉडी में अलग अलग सीरम डालकर उनकी बॉडी को एनालाइज करते थे, क्योंकि ये सारे एलियंस दिन में यानी कि रोशनी के अंदर जिंदा नहीं रह पाते, इसीलिए ये हमेशा अर्थ पर रात ही रखते हैं। दरअसल इन स्ट्रेंजर्स के बॉडी में कोई भी सोल नहीं होती, इसीलिए वो चाहते थे कि वो इंसानों की बॉडी को एनालाइज करें और उनकी सभी आत्माओं को अपने बॉडी में ट्रांसफर कर लें। ये सारी चीजें पता करने के बाद जॉन और इंस्पेक्टर बेन सेल बीच के उस बड़े से पोस्टर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों ने देखते ही देखते उसे तोड़ना भी स्टार्ट कर दिया था। कुछ देर तक सेल बीच की वो दीवार तोड़ने के बाद जॉन और इंस्पेक्टर बेन ये देखकर एकदम शॉक हो गए थे कि वो पूरी जगह एकदम से खाली थी। उस दीवार के बाहर तो कोई भी जमीन ही नहीं होती, और अब देखते ही देखते मिस्टर हैंड अपने आदमियों के साथ उस जगह पर आ गया था। इंस्पेक्टर बेन मिस्टर हैंड के एक आदमी के साथ लड़ाई करता रहता है, लेकिन अब वो दोनों ही दीवार के उस पार गिर गए थे। इंस्पेक्टर बेन तो स्पेस में जाने की वजह से मर जाता है, पर उन्होंने जाते जाते एक बहुत ही भयानक नजारा देखा, जिसमें कि पता चलता है कि वो पूरी सिटी एक बहुत ही बड़े स्पेसशिप के ऊपर मौजूद है, और ये स्पेसशिप अर्थ पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में मूव हो रही है। लेकिन अब यहाँ मिस्टर हैंड ने एमा को बंदी बना लिया था, जिससे कि अब जॉन कुछ भी नहीं कर पाता। इसीलिए अब वो सारे स्ट्रेंजर्स जॉन को पकड़कर अपने अड्डे पर लेके आ जाते हैं। उन सभी स्ट्रेंजर्स का लीडर, जिसका नाम मिस्टर बुक था, वो जॉन को जान से मारने का आदेश देता है। लेकिन अब डॉक्टर शिबर ये बात समझ गए थे कि ये सब गलत हो रहा है, इसीलिए अब वो जॉन को जान से नहीं मारते बल्कि चुपके से उसकी बॉडी में एक ऐसा सीरम इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि जॉन की सारी यादें वापस आने के साथ साथ उसकी पावर्स भी डबल हो जाएंगी। और अब ऐसा करते ही जॉन को अपनी पास्ट लाइफ का सब कुछ याद आ जाता है, साथ ही साथ उसकी पावर्स भी दूसरे लेवल तक पहुंच गई थी। और अब जॉन अपनी टेलीकिनेटिक पावर का यूज करके उनकी कैद से आजाद हो गया था, जो अपने पास आने वाले सभी स्ट्रेंजर्स को दूर फेंकता जा रहा था। जॉन के सामने तो कोई भी टिक ही नहीं पाता, लेकिन अब मिस्टर बुक की पावर्स जॉन से एकदम सिमिलर होती हैं, और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। उस लड़ाई में तो आसपास की सारी चीजें एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, कभी जॉन मिस्टर बुक पर भारी पड़ रहा था तो कभी मिस्टर बुक जॉन पर। उन दोनों की टेलीकिनेटिक पावर्स बहुत ही ज्यादा सेम थी, पर अब मिस्टर बुक अपनी एक धारदार तलवार निकालकर जॉन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जॉन की टेलीकिनेटिक पावर्स काफी बढ़ गई थी, इसीलिए वो तलवार को रोककर मिस्टर बुक के ऊपर वापस फायर कर देता है, जिससे कि मिस्टर बुक को तलवार लगने से उनकी जान चली गई थी। हालांकि जॉन ये पूरी जंग जीत चुका था, लेकिन अब उसे कैसे भी करके सारे लोगों की याददाश्त वापस लानी थी, इसीलिए वो अपनी पावर्स का यूज करके टाइम में कुछ छेड़खानी करने लगता है। और अब वो सारी चीजें नॉर्मल करके उस समय में लेके आ गया था जब वो स्ट्रेंजर्स अर्थ पर भी नहीं पहुंचे थे, यानी कि अब प्रेजेंट में भी वो स्ट्रेंजर्स कभी नहीं आएंगे, और अब पृथ्वी पर मौजूद सभी लोगों की याददाश्त वापस आ जाती है, यहाँ तक कि एमा भी जॉन को पहचानने लगी थी। और अब जॉन अपनी वाइफ एमा के साथ उसी सेल बीच पर मौज मस्ती करने आ गया था। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।